इस सिरप का उपयोग लीवर से संबंधित समस्याओं में डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है। और जैसे कि इस सिरप का उपयोग पीलिया की समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है। और जैसे कि इस सिरप का उपयोग डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड समस्याओं में डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है। जैसे कि अगर किसी के लीवर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन की समस्या हो जाता है तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है। या फिर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर रूप से काम नहीं करता है, वर्क नहीं करता है, तब इस समस्या में दिया जाता है। जैसे कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा गैस की समस्या रहती है उस समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। जैसे कि अगर वो खाना खाते हैं उनका खाना बराबर पचता नहीं है, खट्टे मीठे डेकार की समस्या रहती है, और जैसे कि भूख नहीं लगता है, तो इन सारी समस्याओं में डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है। और इस सिरप का उपयोग किस प्रकार की दिक्कत, किस प्रकार की समस्या, मरीज को क्या दिक्कत क्या तकलीफ रहती है, तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है। ये सिरप पीना कैसे होता है, ये सिरप कौन पी सकता है, कौन नहीं पी सकता है, इस सिरप का डोज क्या होता है, इस सिरप का साइड इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे। जैसे कि इस सिरप का उपयोग फैटी लीवर की समस्या जब मरीज को रहता है तब डॉक्टर के द्वारा फैटी लीवर की समस्या को ठीक करने के लिए ये सिरप मरीज को पीने के लिए दिया जाता है, जिससे जो उसका फैटी लीवर की समस्या रहता है वो ठीक हो जाता है। और जैसे कि इस सिरप का उपयोग अगर किसी के लीवर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन रहता है या फिर लीवर से रिलेटेड अगर मरीज को कोई दिक्कत कोई परेशानी रहती है तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है। और जैसे कि अगर कोई खाना खाता है तो उसका खाना पचता नहीं है, उसे बार बार दस्त की समस्या आता है और उसका पेट एकदम भरा भरा सा रहता है, या फिर खाना खाने के बाद में उसका पेट फूल जाता है, तो इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है। ये सिरप काफ़ी अच्छा सिरप होता है। ये सिरप एक प्रकार से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड समस्याओं को ठीक करता है। जैसे कि अगर आप खाना खाते हैं या फिर आपको बराबर भूख नहीं लगता है, या फिर आप खाना खाने के लिए बैठे तो आपका दिल खाना खाने को नहीं कहेगा, आप थोड़ा सा खाना खाए उसके बाद में खाना नहीं खाने का दिल करेगा, तो इन सारी समस्याओं में ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है। ये सिरप आपकी भूख लगने की क्षमता को बढ़ाता है। जाहिर सी बात है जब आपका लीवर प्रॉपर रूप से काम करेगा तब आपको भूख लगने की क्षमता और बढ़ेगी, यानी ये सिरप भूख लगने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे ये आपके भूख लगने की जो क्षमता होता है वो प्रॉपर यानी प्रॉपर करके रखता है, उसे एक तरह से मेंटेन्स करके रखता है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा सकें। और जैसे कि जब आपके लीवर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन रहेगा या फिर लीवर फैटी लीवर की समस्या रहेगी या फिर लीवर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या रहेगी तो जाहिर सी बात है आप खाना नहीं खाएंगे। खाना ना खाने की वजह से आपके शरीर में एकदम वीकनेस सा महसूस, कमजोरी सा महसूस हो जाएगा। और जैसे कि अगर जो आपका लीवर है यह प्रॉपर रूप से काम नहीं करेगा तो आप एकदम दुबले पतले हो जाएंगे। तो इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए ये सिरप डॉक्टर के द्वारा पीने के लिए दिया जाता है, जिससे जो आपकी भूख लगने की क्षमता है वो आपका बढ़ जाता है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा सकें, जिससे ये सिरप आपके लीवर को एकदम ठीक करके रखता है, यानी लीवर के लिए ये सिरप एकदम सबसे अच्छा सिरप होता है। और जैसे कि इस सिरप का उपयोग, जैसे कि आपको भूख नहीं लगता है या फिर आपका दिल खाना खाने को नहीं कहता है, आपका लीवर प्रॉपर रूप से काम नहीं करता है, आपको खट्टी मीठी डेकार की समस्या रहती है, आप खाना खाने बैठते हैं तो आपका पेट एकदम भरा भरा सा रहता है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपको खाना खाने के बाद में ऐसा लगेगा कि आपका पेट फूला फूला सा हो जाएगा, आपको बार बार दस्त की समस्या भी आता रहता है, या फिर आपको गैस लगातार कंटिन्यू बनता रहता है। जैसे कि गैस की समस्या ऐसी समस्या होती है जो 80% आजकल ज़्यादा लोगों में देखा जाता है। जब आपका लीवर प्रॉपर रूप से काम नहीं करता है तब आपको गैस एसिडिटी इन सारी समस्याएं होती रहती हैं, तब डॉक्टर के द्वारा इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है। ये सिरप आपके लीवर से रिलेटेड सभी प्रकार की दिक्कत सभी प्रकार की समस्याओं को ठीक करता है। और आपके जो भोजन करने की क्षमता है यानी जो आपका खाना खाने की क्षमता है उसे बढ़ाता है। ये आपके भोजन को एक तरीके से पचान
काटता है, जिससे आप कितना भी खाना खाने की जैसे आपका दिल करेगा तो आपके ये भोजन को प्रॉपर रूप से पचाता है और ये आपके लीवर को मेंटेन बना के रखता है। ये सिरप काफ़ी अच्छा सिरप होता है। ये सिरप डॉक्टर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है। और जैसे कि इस सिरप का उपयोग जॉइंटिस की समस्या में किया जाता है। जॉइंटिस एक ऐसी समस्या होता है जिसमें व्यक्ति के शरीर में पीलापन पड़ जाता है, जैसे नाखून में पीलापन पड़ जाना, आँख के नीचे पीलापन पीला हो जाता है, और जैसे कि आपकी त्वचा यानी जो स्किन है वो पीला हो जाता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं हिंदी भाषा में पीलिया की समस्या में, जब किसी को पीलिया नामक रोग हो जाता है तो इस रोग की समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है, जिसे हम जॉइंटिस कहते हैं। जॉइंटिस की समस्या में ये सिरप डॉक्टर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है, मरीज को पीने के लिए दिया जाता है, जिससे जो उसके शरीर में जॉइंटिस की समस्या रहता है वो ठीक हो जाता है। जैसे कि और भी बहुत सारी दिक्कत, बहुत सारी समस्याओं में डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है। चलिए अब हम आपको इस सिरप के डोज के बारे में बताते हैं, इस सिरप का डोज क्या होता है। जैसे कि जो सिरप का डोज होता है, ये डॉक्टर मरीज की स्थिति, उसकी दिक्कत और उसके बॉडी वेट और उसके एज के अकॉर्डिंग मेडिसिन का डोज निर्धारित करके डॉक्टर पीने के लिए बताते हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे को डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए बताया जाता है तो 5 ml सुबह, 5 ml शाम को खाना खाने से 10 या 15 मिनट पहले पीने के लिए डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है। और जैसे कि बड़ों में ये सिरप डॉक्टर के द्वारा 10 ml सुबह, 10 ml शाम को खाना खाने के 10 या 15 मिनट पहले पीने के लिए बताया जाता है। चलिए अब हम आपको इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताते हैं, इस सिरप का क्या साइड इफेक्ट। जैसे कि अगर ये सिरप आप ओवरडोज की मात्रा में लेंगे तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं आपको नींद बहुत ज़्यादा आ सकता है, आपका पेट खराब हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा एडिटेशन सा महसूस हो सकता है। इसके अलावा आपको और भी दिक्कत और भी समस्या हो सकता है अगर आप ये सिरप ओवरडोज की मात्रा में लेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से आप अपनी दिक्कत या परेशानी बताएं, उसके बाद में कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा लें। कभी भी आप कोई भी मेडिसिन, कोई भी इंजेक्शन, कोई भी दवा आप अपनी मर्जी से उपयोग ना करें।